जाए बच्चों, आप जानते हैं बहुत समय पहले लोग किस तरह चीजों की लंबाई नापा करते थे वो चीजों की लंबाई अपनी हथेली अपने हाथ या अपने कदमों से नापते थे पर इन तरीकों से सही परिणाम नहीं मिलते थे आज हम पैमाने मैट्रिक स्केल और मेजरिंग टेप यानी फीते का इस्तेमाल करते हैं ताकि चीजों की सही लंबाई और ऊंचाई नाप सकें आइए स्केल यानी पैमाने का सही इस्तेमाल करना सीखें आओ सीखें पैमाने का इस्तेमाल करके चीजों की लंबाई मापना मीटर और सेंटीमीटर में लंबाई मापना मीटर और सेंटीमीटर के बीच का संबंध समझना रूलर यानी पैमाना मुझे चार सेंटीमीटर लंबा कागज चाहिए तो मैं ये लंबाई नापने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा हाँ आपने ठीक कहा पैमाने से ही लंबाई सही सही नापी जा सकेगी आपको पैमाने पर कई विभाजन नजर आएंगे कुछ लाइनें छोटी होंगी तो कुछ लंबी लंबी लाइनें संख्याओं को सेंटीमीटर में दर्शाती हैं दो लंबी लाइनों के बीच छोटी लाइनें सेंटीमीटर के विभाजन को दर्शाती हैं अब हम पैमाने यानी स्केल को समझना सीखेंगे उदाहरण के लिए यह दो सेंटीमीटर है ये आधा सेंटीमीटर है इसी तरह ये साढ़े चार सेंटीमीटर है लंबाई मापना रुकू अलग अलग चीजों की लंबाई मापना चाहता है क्या आप उसकी मदद करेंगे हर चीज पर क्लिक करके उसकी लंबाई मापो रूलर या पैमानों की किस्में पैमाने अलग अलग लंबाइयों के होते हैं यहां जो पैमाना दिख रहा है वो 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई का हो सकता है दूसरा पैमाना 30 सेंटीमीटर तक की लंबाई नाप सकता है पर कोई पैमाना हर चीज को नहीं नाप सकता किसी पैमाने का इस्तेमाल सिर्फ कम लंबाई वाली चीजों को नापने के लिए ही किया जाता है जैसे कि पेंसिल स्टिक यानी छड़ी नोटबुक डस्टर कंघी इत्यादि लंबी चीजों को नापने के लिए मेजरिंग टेप यानी फीते का इस्तेमाल किया जाता है रूपांतरण आपकी माताजी कमीज का कपड़ा खरीदने के लिए बाजार में है क्या दुकानदार किसी पैमाने से कमीज का कपड़ा नाप सकता है हाँ नाप सकता है पर यह काम इस तरह ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसमें ज्यादा वक्त भी लगेगा तो वो इसे मीट्रिक टेप से नापता है इसमें कम मेहनत और कम समय लगेगा एक मीटर सौ सेंटीमीटर के बराबर होता है मीटर और सेंटीमीटर हम किसी अलमारी की ऊंचाई मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करके नाप सकते हैं अलमारी की ऊंचाई 200 सेंटीमीटर है इसलिए हम कह सकते हैं कि अलमारी की ऊंचाई 2 मीटर है इसी तरह वॉकिंग स्टिक छड़ी की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है यानी एक मीटर लंबी होती है आइए अलग अलग चीजों की लंबाई की तुलना करें कुछ चीजों की लंबाई मीटर में होती है जबकि कुछ चीजें इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें केवल सेंटीमीटर में ही मापा जाता है किसी ब्रेड की लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त की जाती है माचिस की लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त की जाती है कूदने वाली रस्सी यानी स्किपिंग रोप की लंबाई मीटर में बताई जाती है बस की लंबाई मीटर में व्यक्त की जाती है हमने क्या चर्चा की हम लंबाई मापने के लिए रूलर यानी पैमाने मीट्रिक स्केल और मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं छोटी चीजों की लंबाई मापने के लिए रूलर का प्रयोग किया जाता है लंबाई को सेंटीमीटर और मीटर में मापा जा सकता है एक मीटर का मतलब है सौ सेंटीमीटर